मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने 1 से 27 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। उस क्वेश्चन पहले किए थे। तो अपना आज 28वां क्वेश्चन है बेटा, cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस है tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बटे sin थीटा माइनस है cos थीटा बराबर 1 sin थीटा cos थीटा। यहां पर देखो दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, ये ध्यान रखना, 1 sin थीटा cos थीटा। इस प्रकार का क्वेश्चन अपना एक पहले का आया था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हो। सबसे पहले आपने LHS पार्ट लिया था और LHS पार्ट है आपका cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस है tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस है cos थीटा। यहां पर देखो सब sin cos के अंदर लेकिन ये tan दे दिया, इसको भी बदल sin cos में परिवर्तन कर, तो cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस से sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे sin थीटा माइनस है cos थीटा। पहले इसका एलसीएम लेके आपको इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका एलसीएम लिया तो ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा बटे यहां पर आएगा cos थीटा माइनस है sin थीटा बटे में क्या आएगा cos थीटा, क्योंकि का एलसीएम क्या है cos थीटा। इसके नीचे 1 है, 1 का वर्ग cos थीटा में cos थीटा वर्ग गया, cos थीटा को 1 से गुणा किया cos थीटा, माइनस का cos थीटा वर्ग cos थीटा में 1 बार और 1 को sin से गुणा किया sin थीटा प्लस से sin थीटा बटे sin थीटा माइनस है cos थीटा। अब ये पद तो बेटा बाहर है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो cos कितनी हो जाएगी, स्क्वायर तो है अब कितना हो जाएंगे cos की क्यूब थीटा बटे cos थीटा माइनस है sin थीटा प्लस यहां पर है sin क्यूब है sin है क्यूब थीटा बटे sin थीटा माइनस है cos थीटा। अब यहां पर देखो cos माइनस sin sin माइनस cos, ये वापस मैंने इस प्रकार के दो तीन क्वेश्चन करवाएंगे उसमें यहां पर है इस प्रकार का cos बनाना अपने को बटे वाला सेम बनाना जरूरी, cos माइनस sin आना चाहिए sin माइनस cos नहीं। तो इसको परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन करोगे माइनस से गुणा किया तो माइनस को गुणा यहां से करते क्या हो जाएगा अपना cos क्यूब थीटा बटे cos थीटा माइनस है sin थीटा और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस के स्थान पर माइनस और यहां पर बन गई sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस है sin, क्योंकि यहां पर sin प्लस का है। अब देखो माइनस और माइनस गुणा करोगे तो sin प्लस का हो जाएगा और cos माइनस का है तो cos यहां पर माइनस का अपने पास, ये ध्यान रखना है। इसमें यहां पर चिन्ह है यहां पर चिन्ह, दोनों को इस प्रकार से सॉल्व करो, मतलब यहां पर माइनस हो गया माइनस ऊपर वाले पर से गुणा हुआ माइनस। अब इसका एलसीएम आपका बेटा क्या आया cos थीटा माइनस है sin थीटा, तो अपने पास ऊपर बचा रहा cos क्यूब थीटा माइनस है sin क्यूब थीटा। यहां पर सरल समीकरण लगाया आपने a क्यूब माइनस है b क्यूब, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में प्लस है a b, ये सरल समीकरण यहां पर है अप्लाई किया आपने तो यहां पर क्या हुआ cos थीटा माइनस sin थीटा और a cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बटे में क्या आ जाएगा अपने पास है cos थीटा माइनस a sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा और ए कोस थीटा। इसका मान क्या होता है, इसका मान है एक होता है, तो इसका मान क्या होगा अपने पास एक प्लस ए साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको क्या आ गया आर एच से पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सबसे पहले सर्वसम्मिका थी उसका मान क्या था वन था।
तो ये अपने को लेकर आना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले यहां पर tan को बताना, इसी का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, दो क्वेश्चन आए थे पहले, tan थीटा उसको बदलो sin cos में, इसका एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, मतलब इस रूप में बनाओ वापस, क्यूब घात है तो यहां पर स्क्वायर है, मतलब एक घात कम दी है, कम देना मतलब यहां पर इसको परिवर्तन करोगे तो इसकी घात बढ़ जाएगी, यहां पर क्या हो गया cos a क्यूब थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहां पर ये जो बढ़ते वाला है इसको सेम बनाने के लिए क्या करोगे, यहां से माइनस के गुणा किया, ये तो माइनस का हो गया, ये किसका हो गया प्लस का आ जाएगा, तो अपने पास है इसको, और फिर आगे इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहां पर सर्वोच्च निकाल लेना चाहिए, और सर्वोच्च निकाल लेने पर 16 आपका आरएचएस पर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर माइनस ए बटे p स्क्वायर प्लस ए बराबर है sin p स्क्वायर माइनस ए के p स्क्वायर प्लस ए बराबर है साइन थीटा। अब यहां पर इसने देखो क्या किया, p का कोई मान दे दिया वहां पर p दे दिया, तो अपने पास तो सूत्र सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, कोर्स ये है, इसमें एलएचएस ये आरएचएस है साइन है ये, तो सबसे पहले अपने पास है यहां पर इसका सॉल्व करोगे तो लिखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, जो कि आपको दिया गया है, दिया गया है। अब आपने जो सिद्ध करना है उसका एलएचएस पार्ट, एलएचएस क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन, अब बेटा इसमें पी स्क्वायर का मान ये अपने पास मान रख दो sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर माइनस ए बटे sec थीटा प्लस ए tan थीटा प्लस ए। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको sin cos में परिवर्तन करोगे, क्या करोगे sin cos में होल स्क्वायर चलता रहेगा साथ, तो ये हुआ a बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक बटे में क्या आ गया, यहां पर वापिस एक बटा कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का। अब पहले ऊपर वाले इस पॉइंट का एलसीएम किया, क्या आया कोस थीटा वन प्लस ए साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर माइनस वन है, इसमें वन प्लस ए साइन थीटा बटे कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस ए वन है अपने पास। अब बेटा यहां से देखो क्या करोगे, होल स्क्वायर मतलब बट्टे वाले पर भी है ये भी बट्टे वाले दोनों पर है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखो वन प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन बट्टे, इसमें ये लिखा है एक प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा प्लस का वन। अब इसका वापिस आपको क्या लेना है, ऊपर वाले का पहले एलसीएम दिया, तो एलसीएम में अपने पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके नीचे एक है, एक का भाग कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर गया या कोस स्क्वायर का इसे मान लिया कोस स्क्वायर लिखा बट्टा वापिस इसका एलसीएम क्या आया कोस स्क्वायर थीटा एक प्लस साइन थीटा
का होल स्क्वायर है और है प्लस का कोस स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये पूरे के नीचे ये ध्यान है यहां पर प्लस आ जाएगा। बढ़िया वाला बता ये है ऊपर वाले का रिलेशन दिया तो ये और नीचे वाले का रिलेशन दिया तो ये नहीं ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसमें देखो इसकी सरलश्री का लगाओगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो a का मान एक है b का मान साइन स्क्वायर एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर बट्टे क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर और a प्लस टू ए बी टू ए बी और एक बी स्क्वायर तो यहाँ पे ये इसमें लगाना है बट्टे में ये कैंसिल हो जाएगा इस क्योंकि बट्टे में क्रॉस गुणा करोगे तो ये तो इसके साथ आएगा ना और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से गुणा क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं एक प्लस वापिस सरस्वती का साइन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर एक माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक माइनस क्या होता है यहाँ पे देखो एक माइनस है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा तो यहां पर देखो a ये रहा और माइनस का cos स्क्वायर ये रहा उसके साथ में क्या रख सकते हैं sin स्क्वायर a sin ये रहा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बटे यहां पर क्या करना है आपको देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान वन होता है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक और एक कितने हो गए दो तो इसको लिखोगे एक प्लस दो साइन थीटा। अब ऊपर वाले में अपने पास आ रहे हैं दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा बटे दो प्लस दो साइन थीटा कॉमन लिया होगा दो साइन थीटा कॉमन आ गया बच्चा क्या साइन थीटा प्लस एक और बट्टे वाले में कॉमन आया दो बच्चा क्या साइन थीटा प्लस एक तो साइन थीटा प्लस एक सही है पहले लिखो एक प्लस साइन थीटा लिखो या साइन थीटा प्लस एक लिखो और दो से दो कैंसिल हो गए आपका क्या बच गया साइन थीटा ये क्या आ गया इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो इसमें क्या दिया था इसका एक एग्जांपल भी दिया इस प्रकार का ही एग्जांपल है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p दे दिया अब कह रहा है p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 के बराबर sin थीटा आपको सिद्ध करना है जरूरी नहीं यहां पर p स्क्वायर है कई बार ये मान भी ले लेते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा तभी आपको इस प्रकार से सॉल्व करना इसमें कुछ नहीं है यहां पर इसका पहले sin cos में परिवर्तन कर दो एलसीएम ले लो एलसीएम लेने के बाद में यहां पर होल स्क्वायर वाली सरलश्री का ध्यान में रखना और यहां पर आते ही आपको ये सरलश्री का ही लागू होगी इसको ध्यान में रखते हुए आगे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर इस प्रश्न वाला लास्ट क्वेश्चन है एक ऐसा एग्जांपल है वो आप प्रयास करना नहीं आए तो आप मुझे बताना नहीं उसको भी सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है यदि cos a बटे cos b बराबर m तथा cos a बटे sin b बराबर n हो तो तथा cos a बटे sin b बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बेटा इसमें इस प्रकार से किया है, अथवा में देखो इसको उल्टा बना सकता है क्या, हमें m का मान cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b और इसके गुणा में cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर के मान पर cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b, ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जरूरी है ना मैंने बनाए सीधा क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं। अब इसने कह दिया इसको मान दिया m स्क्वायर, m का मान cos a बटे cos b है और आपको ये सिद्ध करना है, तो इसका LHS पार्ट क्या करना, LHS पार्ट है क्वेश्चन का ये अपने पास m स्क्वायर, तो आप ये काम करोगे इसमें भी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b, ये लेकर चलो और n स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर दिया था आपको, तो यहां पर m और n के मान रखो, m का मान है cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b प्लस है cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b, इसका एलसीएम लिया हमने क्या आया, एलसीएम आ गया आपका cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b बचा क्या sin स्क्वायर b बचा है, यहां पर तो sin स्क्वायर b इसके साथ में गुणा होगा तो cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर b का यहां पर उठ गया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a b और बटे में cos बराबर बाहर से गुणा में क्या है cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b के से, क्योंकि यहां पर किसका चिन्ह है गुणा का चिन्ह है ऊपर ये के बटे में, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब ऊपर वाला जो पार्ट बचा है अपने पास इसमें बचा है cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b और बटे में बचा है sin स्क्वायर b, यहां पर ऊपर कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर a क्या लिया आपने कॉमन cos स्क्वायर a को लिया, यहां पर पहले क्या बचा sin स्क्वायर b प्लस है cos स्क्वायर b बटे में क्या बच रहा है मेरे पास है sin स्क्वायर a b बच रहा है। अब आप जानते हो कि जब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होना था, थीटा मतलब यहां पर जो एंगल समान होगा घात स्क्वायर में दोनों के बीच में सिर्फ प्लस का हो तो इसका मान क्या होता है सर्वसमिका के अनुसार एक, तो देखो यहां पर b एंगल b है स्क्वायर है स्क्वायर है प्लस है तो इस पूरे कोष्ट का मान क्या हो गया 1, तो ये हो गया अपने पास है cos स्क्वायर a गुणा 1 बटे sin स्क्वायर b, इसको क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b, और ये क्या अपना RHS में देखो ये है अपने पास n और n का क्या है स्क्वायर और ये n स्क्वायर ये आपको क्या बोल दिया था इसने RHS का पार्ट है पूछा था, तो ये अपने पास एक से उदाहरण 30 तक क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट थे, इसमें से 6 नंबर का प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष में पूछा जाता है पेपर में और इस प्रश्न वाला में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला ये 7.1 है, इसके एक दो एग्जांपल भी हैं, एक एग्जांपल मैं बताता हूं बाकी आप निकालने का प्रयास करना। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका
कोट ए कोशेक ए माइनस ए कोट ए प्लस कोशेक ए माइनस ए बटे कोट ए प्लस कोशेक ए प्लस ए प्लस ए एक बराबर है ए प्लस साइन ए बटे प्लस कोस साइन। अब यहां पर देखो ये एग्जांपल है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एलएचएस लो। ये है अपने पास कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए बटे कोट ए प्लस ए कोसेक ए प्लस ए। एक अंश या हर में से एक अंश एक के स्थान पर कुछ मान रखता है, तो आप बता एक के स्थान पर मान जानते होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए बराबर वन होता है ऊपर वाले वाले के स्थान पर। तो पहले जो है कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको पॉजिटिव में ले लिया, चिन्ह माइनस का यहां माइनस एक के स्थान पर क्या रखोगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए कोट स्क्वायर ए, क्योंकि वहां पर थीटा है लेकिन यहां पर ए है तो एंगल रखो बट्टे में ये पूरा है कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस का ए। ऊपर अपने पास है कोट ए कोसेक ए। अब यहां पर सपोज भी क्या होगी जी माइनस का आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो गया कोसेक ए माइनस कोट ए और ए कोसेक ए प्लस ए कोट ए, और बट्टे में अपने पास क्या हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस प्लस का वन। एक पद ये दूसरा पद ये दो ही पद है ऊपर, और इन दोनों पदों में से एक पद कॉमन निकल रहा है प्लस वाला, तो प्लस वाला पद कॉमन निकालते हैं अपने पास क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ले लिया कॉमन यहां पर बचा अपने पास इसके स्थान पर वन माइनस ये इसको लिख दिया देखो माइनस है तो गुणा करेंगे तो माइनस का कोसेक ए तो यहां पर माइनस है ये ध्यान रखना बटे में यहां माइनस है ये माइनस का चिन्ह है ध्यान रखना, तो यहां पर माइनस का कोसेक ए और प्लस का कोट ए, और बटे में अपने पास है कोट ए माइनस ए कोसेक ए प्लस ए। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक समान है क्योंकि कोट ए प्लस का है तो यहां पर भी कोट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस है कोसेक ए माइनस है, एक प्लस है एक प्लस का है, और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, अपने पास क्या बच रहा है केवल कोट ए प्लस है कोसेक ए, और इसको बदल दिया साइन कोस में, ये तो हो गया कोस ए बटे साइन ए प्लस ये हो गया ए बटा साइन ए, इसका एलसीएम लिया साइन ए तो कोस ए प्लस ए ए, ये आपका क्या आ गया आरएसएस आ गया जो इसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, बाकी अगेन आगे वाली क्लास में साथ में दो है जो एक या दो क्लास की चैप्टर है अपना वो सरल सा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके एग्जांपल और सात पॉइंट है वन छह नंबर के क्वेश्चन बेटा इसी प्रश्न वाला में से पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।